4 दिन तक बारिश के आसार, 21 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। मुंबई चेंबूर में दही दीवार गिरने से 24 लोगों की मौत, सीएम ने जताया शोक, परिजन को 5 लाख की माफी का ऐलान। जम्मू कश्मीर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई को लद्दाख का करेंगे दौरा। कोरोना मामले में फिर बढ़ोतरी, 2 दिन बाद 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए नए केस। अरविंद बोरा का पीएम मोदी को लेटर, ने सत्य प्रमाणिक की नागरिकता की जांच की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव के बाद जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और जिले के सांसद को उसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। बीते 16 सालों से सोनिया गांधी ही अनुश्रवण समिति दिशा की अध्यक्ष बनाई जाती रही है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी को दिशा का अध्यक्ष मनोनीत न करके बल्कि अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रायबरेली दिशा का अध्यक्ष बना दिया गया है। जिला प्रशासन के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं सुनने को लगातार मिल रही है। अब इस पे हमारा ये कहना है कि विगत 16 सालों से माननीय सोनिया गांधी जी यहाँ की सांसद हैं और वही अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष रही, लेकिन जो ये पिछला सांसद कार्यकाल लग गया है वो यहाँ आ नहीं पाई, तो इससे पब्लिक में भी रोष था और जनता में भी रोष था, विकास बाधित हो रहा था। ये एक ऐसी चीज़ है कि अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष की जो मीटिंग होती थी, हम लोग भी रहते थे उसमें, तो उससे विकास को एक गति मिलती थी और वो हो नहीं पा रहा था। तो स्मृति ईरानी जी को यहाँ बनाया गया है, इनका मनोनयन नहीं करके भेजा है डीएम साहब ने, उसका एक ही ये कारण है कि जो विकास की गति मानी स्मृति ईरानी जी के दिशा निर्देश में हो रही थी उसी को देख करके इनको यहाँ बनाया गया है। और ये अपेक्षा भी थी यहाँ की जनता को और हमको लगता है इससे अब विकास को नई गति मिलेगी और रायबरेली में दिखाई पड़ेगा विकास स्मृति ईरानी जी के अध्यक्ष बनने से। स्मृति ईरानी जी अमेठी से सांसद हैं और अमेठी लोकसभा जो क्षेत्र है उसकी रायबरेली में भी एक विधानसभा लगती है सलवन। नियमता 2 जिले हैं, दिशा कमेटी के 2 अध्यक्ष होने चाहिए, लेकिन सरकार ने उन्हें अमेठी का भी जिला मतलब चेयर पर्सन बना दिया है और रायबरेली का भी बना दिया है। नियमता जो सुनने में आया है उसके मुताबिक वो मंत्री हैं, इसलिए संवैधानिक दर्जा उनका बड़ा है, इस वजह से उनको। वही कानपुर देहात से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सरकार की पुलिस ने महिलाओं के सम्मान को रौंद दिया। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गदासपुर गांव का है। यहां पुलिस की दबिश का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबिश देने गए चौकी इंचार्ज एक महिला की छाती पर बैठे दिखाई दे रहे। उखड़िया चौकी इंचार्ज महेंद्र पटेल चौकी के 4 सिपाहियों को साथ लेकर एक मकान पर दबिश देने पहुंचे। साथ में महिला पुलिस नहीं थी, वहां उन्होंने एक परिवार पर कहर ढा दिया। चौकी इंचार्ज ने पूरे परिवार की महिलाओं को अपमानित किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बात को लेकर पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। थाना भोगनीपुर की चौकी पुखराया के अंतर्गत दुर्गदासपुर गांव में चौकी इंचार्ज किसी आरोपी की तलाश में गए थे और उस गांव में पहुंचने के बाद किसी महिला के साथ उनकी कहा सुनी और झड़प हुई है, जिसका एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के मध्य विवाद हो रहा है। इसमें पुलिस का यह कहना है कि जब वो आरोपी की तलाश में थे तो वहाँ पर एक लड़के के द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, जिसके विरोध में पुलिस ने उसे मना किया और उसे पकड़ कर थाने ला रही थी।
उसी क्रम में जो आरोपी है जिसको पकड़ के ला रही थी पुलिस, उसके घर के लोग, उसके परिजन बाहर निकल आए और पुलिस के साथ जो है वह बदतमीजी करने लगे और उसी बदतमीजी के क्रम में दोनों पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हुई और उसी दौरान यह फोटो जो है ली गई है। दूसरी तरफ जो महिला का कहना है, उसका यह कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे साथ हमारे जो परिजन है उसको जबरदस्ती ले जा रही थी। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जो भी सही तथ्य होंगे उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं लखनऊ के हसनगंज के हनुमान सेतु में आर्थिक तंगी से परेशान होकर युवक नदी में कूद गया। वहीं मौके पर मौजूद क्रिकेट खेल रहे दो युवकों ने युवक की जान बचाई। युवक की जान बचाने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हसनगंज के हनुमान सेतु में आर्थिक तंगी से परेशान होकर युवक ने नदी में छलांग लगा दी और मौके पर मौजूद क्रिकेट खेल रहे दो युवकों ने जान बचाई। वहीं युवक की जान बचाने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वहीं गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में एक अर्धनिर्मित मकान में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि युवक की ईंट से कुचकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। हालांकि मृतक युवक की पुलिस अभी तक शिनाख्त नहीं कर पाई है। सूत्रों की माने तो एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने कुछ सूचना दी कि पीपी नगर में एक निर्माण मकान है, वहाँ एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ तत्काल पहुंची, उस लाश को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टि ईंट से उसे मारा गया है। ये उसकी बॉडी को भेज दिया गया। वहीं आगरा में दिन दहाड़े हत्या हुई और इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बदमाशों ने कार चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही जमीनी रंजिश के चलते दबंगों ने खेत से घर लौट रहे युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे खाई में पलट गई। वहीं खाई में पलटी कार को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को इस पूरे घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। बारिश का यह सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रहने के आसार है। इसमें भी 18 से 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। वहीं 18 से 22 जुलाई तक उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की अति सक्रियता भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश से गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से अब लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। बारिश का यह सिलसिला 22 जुलाई तक यूं ही जारी रहने का लगातार आसार बताया जा रहा है और इसमें भी 18 से 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि 18 से 22 जुलाई तक उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर मानसून की अति सक्रियता भी देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, इसको लेकर अब एक राहत भरी खबर है कि इस गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना लगातार बताई जा रही है। वही मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी कर दी है।
बारिश का ये सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। इसमें भी 18 से 22 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से अब लोगों को काफी राहत मिलने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि बारिश का यह सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रहने के आसार है। वहीं इसमें भी 18 से 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। 18 से 22 जुलाई तक उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर मानसून की अति सक्रियता भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो जिस तरह से लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, वैसे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। बारिश का यह सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रहने के आसार बताए जा रहे हैं और इसमें भी 18 से 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। 18 से 22 जुलाई तक उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर मानसून की अति सक्रियता भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। तो लगातार जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान थे, इसको देखते हुए अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उनका अनुमान है कि कल और से लेकर यूपी में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। पूर्वी और पश्चिमी इलाका है, उसमें जो उत्तरी तट है यानी कि तराई वाले जो इलाके हैं, जो जिले हैं, उसमें भारी बारिश की ज्यादा संभावना है। और इससे सीधा सीधा फायदा जो है वो किसानों का भी देखा जा रहा है, क्योंकि मानसून अपने वक्त पे सही समय पे आया है, लेकिन बारिश 3 दिन थोड़ी लेट हुई है। हालांकि बारिश इतनी भी ज्यादा भारी नहीं होगी कि लोगों को नुकसान हो, किसानों का नुकसान हो, लेकिन इतनी बारिश जरूर होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और आमतौर पर जो आदमी सड़क पर निकलते हैं, जो अपने घर से रोजगार के लिए निकलते हैं, उनको थोड़ी बहुत मुसीबतें हो सकती, लेकिन ज्यादा फायदा जो है वो किसानों को होगा। लखनऊ की अगर बात की जाए तो बीती रात से जिस तरीके से मौसम ने करवट ली थी, बदलाव हुआ था, कल शाम से ये कहा जा रहा था कि रात में या आने वाली सुबह को बारिश की जो बूंदे हैं वो देखने को मिल सकती है। हालांकि भोर सुबह से ही बारिश होने लगी थी और सीधा सीधा फायदा जनमानस में भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी मौसम से राहत मिली है। जो गर्मी फिलहाल 4 से 5 दिनों में पिछले पड़ रही थी काफी कड़ाके की, उससे थोड़ी निजात जरूर मिली है, लेकिन आने वाले समय में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहेगा और आम जनमानस को थोड़ी बहुत राहत जरूर इस गर्मी से मिलेगी। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में चेतावनी भी जारी की है, तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है? देखिए प्रिया, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है जहां से नदियां जो है उन जिलों को टच करते हुए गई हैं, वो जो इलाका है उसमें ज्यादा भारी बारिश होगी। और खास करके जो गांव होते हैं, जो नदी किनारे जो तराई वाले इलाके होते हैं, उनको थोड़ा बहुत अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि अगर जलस्तर बढ़ता है किसी भी नदी का, तो शायद वो कटान जो है वो जो आमतौर में देखने को मिलती है हर मानसून के मौसम में, वो जरूर देखी जा सकती है। इसलिए कुछ इलाकों में राहत बचाव की जो टीमें हैं वो पहले से ही तैनात कर दी गई, अगर इस तरीके का भविष्य मंजर देखने को मिलता है तो राहत बचाव की टीमें वहां पर रेस्क्यू जो का जो काम है वो बड़ी आसानी से और प्राइमरी तौर पर वहां पर शुरू कर सके। तो उन इलाकों में और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जो नदी से सटे हैं, और उनको खासतौर से डीएम के मद्देनजर रखते हुए उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो उन इलाकों को सतर्क रहने की थोड़ा बहुत जरूरत है, चाहे वो गोरखपुर हो, बलिया हो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन लखनऊ में बात की जाए लखनऊ की, तो अभी यहाँ पर किसी भी तरीके की मुसीबत नहीं है, लोग मौसम का मजा जरूर ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की जो भारी बारिश है उसकी चेतावनी लखनऊ के अंदर फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन राहत भरी सांस लोगों के लिए यह भी है
कि आम जनमानस के लिए इस मौसम ने जो बदलाव ली है उससे लोगों को फायदा मिला और लोगों को खुशी जरूर हुई है। जी शिवा आकाश, बिजली जिस तरह से कई जिलों में गिरी से भारी नुकसान भी देखा गया, इसको लेकर क्या मौसम विभाग ने किसी तरह का कुछ अपडेट जारी किया? देखिए हाल ही में अभी प्रशासन स्तर पर इस बात की बैठक भी हुई थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स से लेकर के जो डीएम है जिलों के वो खास तौर से अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि आमतौर पर मॉनसून के मौसम में बिजली गिरने जैसी बहुत सारी संभावनाएं देखी जाती है अलग अलग जिलों में, और उनके लिए नोडल अफसर भी बनाए गए हैं कि अगर आकाशीय बिजली गिरने से किसी की हानि होती है, किसी के खेत को नुकसान होता है या किसी के घर को नुकसान होता है तो उसका आकलन किया जाए और सरकार के स्तर से उनको मुआवजा दिया जाए। तो जरूर कहीं ना कहीं नोडल अफसर इस अलर्ट मोड पर बीती रात से ही है कि अगर आकाशीय बिजली की भी घटना अगर होती है उत्तर प्रदेश के किसी जिलों में तो उसको शासन स्तर तक उनकी सारी बातें पहुंचाई जाए, अगर मुआवजे की बात अगर की जाए तो मुआवजे भी उनको उचित दिलाने की बात की जाती है। लेकिन बीती रात से अभी तक आकाशीय बिजली की नहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में पाई नहीं गई है। जी जिस तरह की बात की जाए आने वाले दिनों में किस तरह का मॉनसून देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अपडेट भी जारी कर दिया गया है कि 22 तारीख तक मौसम विभाग ने जिस तरह से अपडेट दिया है कि बारिश लगातार होने वाली है, तो क्या अभी कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए एक हफ्ते का जो अभी अपडेट मौसम विभाग की तरफ से आया है उसने ये कहा है कि बूंदाबांदी अलग अलग इलाकों में अलग अलग जिलों में होती रहेगी, भारी बारिश कुछ जिलों में होगी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी तट हो चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी तट हो, वहां पर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन खास तौर पर सबसे ज्यादा राहत की सांस ये है कि आम जनमानस को इससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जैसा कि पिछले दिनों में अगर पिछले सालों की अगर बात की जाए, 4-5 साल के अगर स्टेटस को एक उठा के देखा जाए तो उस स्टेटस में ये नहीं दिखाई पड़ता, ये दिखाई जरूर पड़ता था कि आम जनमानस को भारी नुकसान हुआ है, उसकी फसल को नुकसान हुआ है, उसके किसी एसेट्स को नुकसान हुआ है, जिससे उसे मुआवजा दिलाने के सरकार का हर बार प्रयास रहता है। तो अभी एक हफ्ते तक किसी भी ऐसे जो नुकसान की जो बात है वो मौसम विभाग द्वारा नहीं की गई है, लेकिन बृहस्पतिवार तक आने वाले 3 से 4 दिन तक जो सूरज के दर्शन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बादल का जो एक घेरा है वो जरूर लखनऊ और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। तो नुकसान की बात फिलहाल ही निकल के आई है, हालांकि मौसम कब और किस तरह करवट बदल लेता है क्योंकि प्राकृतिक ये सारी चीजें होती है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अभी किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं दी गई है कि लखनऊ या आसपास इलाकों या उत्तर प्रदेश के किसी जिलों में कोई बड़ी बारिश हो और उससे कोई दुर्घटना हो। जी बहुत बहुत शिवा शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से जिस तरह से उमस भरी गर्मी देखने को मिली अब इससे राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें कि बारिश का ये सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रहने के आसार बताए जा रहे हैं और इसमें भी 18 से 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं 18 से 22 जुलाई तक उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की अति सक्रियता भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना ही, देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।